Hey everyone, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे तो ये है संडे ब्लॉग और आज है संडे तो संडे की स्टार्टिंग है मॉर्निंग से और यहाँ कुछ ग्रॉसरी का सामान आया था तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं स्नैक्स हैं ड्राई फ्रूट्स हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें तो अभी इनको मैंने लगाया नहीं है तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग वगैरह और इस सारे सामान को मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी इस कार्टून में ही और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं इस सामान को लगाऊँगी उसे उसी की जगह पर तो इसको लगाने से पहले मुझे जो भी डब्बे वगैरह हैं अपने उन्हें क्लीन करना है क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो आप लोगों को तो पता ही है कि ज़रा सी भी अगर नमी रह जाए तो काफ़ी फंगस वगैरह लग जाती है तो यहाँ सबसे पहले मैंने अभी कोई भी सामान का पैकेट नहीं खोला है और उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी अभी और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लीनिंग तो जैसे डेली क्लीनिंग मैं करती हूँ उसी तरह से बस कुछ दिन से मैं अपनी दो दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से डस्टिंग वग़ैरह नहीं कर पाई थी तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पहले जो भी सामान है उसे मैं उसी की जगह पर रख दूँगी बेडशीट में यहाँ पे झाड़ के मैंने उसको लगा लिया है और हल्की फुल्की जो डस्टिंग है तो उसको मैं कर दूँगी अभी तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट को झाड़ के दोबारा से लगा दिया था अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने प्लो वगैरह लगा दूँगी अंदर बेड को मैंने एकदम क्लीन कर दिया है और बच्चों को अपने कर दिया है अंदर रूम में और मैं कर रही थी बाहर की क्लीनिंग तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने बेड को क्लीन किया है और बेड क्लीन हो जाता है तो काफ़ी हद तक घर साफ़ सुथरा सा लगता है और अगर बाई चांस कोई आ जाए तो रूम या बेडरूम वगैरह तो इतना बेकार ना लगे तो यहाँ पर रूम तो मेरा एकदम क्लीन हो चुका था और बाहर के बेड को भी मैंने उसको एकदम ठीक कर दिया है अब जो भी सामान है तो उसे मैं उसी की जगह पर ही रख दूँगी और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने की है थोड़ी बहुत डस्टिंग तो डस्टिंग का ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है मैं मॉर्निंग में ही करूँ कभी कभी मैं इवनिंग में या आफ्टरनून में भी कर लेती हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास वक्त होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ और दो तीन दिन से कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैंने अपना कोई ब्लॉग भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ और ना ही मैं अपनी उस तरह से घर की क्लीनिंग कर पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ काम नहीं हो पाता है तो इसी वजह से आज फिर मैंने थोड़ी स्टार्टिंग की है पहले डस्टिंग से और मॉनसून सीज़न में अगर कहीं ज़रा सी भी नमी आ जाए तो इतनी जल्दी फंगस लगती है चीज़ इतनी जल्दी बेकार होती है कि बहुत ही ज़्यादा तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना जो टीवी कैबिनेट था तो उसको मैंने ठीक किया है यानी कि उसको क्लीन किया है क्योंकि वुडन इस वुडन का है तो यहाँ पे इसको क्लीन करना मुझे पहले ठीक लगा तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले इसी की ही क्लीनिंग की है और इसकी क्लीनिंग के बाद फिर मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी झाड़ू वगैरह की मॉपिंग की तो अभी तबीयत इतनी ठीक भी नहीं है तो मैं इस तरह से अभी जितना मेरे से हो रहा है उतना मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है और कोशिश है कि अब मैं अपने डेली ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोई गैप नहीं होगा मेरे ब्लॉग्स में तो यहाँ फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी यानी कि डस्टिंग हल्की हुल्की टी वी कैबिनेट की तो टी वी कैबिनेट को मैंने अच्छे तरीके से एकदम क्लीन कर दिया था और उसके बाद फिर जो भी मेरी चेयर्स के प्लो हैं तो इनको मैंने अच्छे से झाड़ के लगा दिया था चेयर्स पे ही और उसके बाद फिर मैंने यहाँ स्टार्टिंग की थी अपनी झाड़ू वगैरह की तो जो भी था बेड के पीछे से अच्छे से एकदम झाड़ू निकाल दी थी मैंने यहाँ पर क्योंकि इसी के बाद मैं पोंछा लगाती हूँ और अगर झाड़ू में हल्की फुल्की किस आहट रह जाए तो पोंछा एकदम अच्छे से नहीं लग पाता है तो इस तरह से मैं एक बार झाड़ू को इतनी अच्छे से निकाल देती हूँ कि जिससे कि पोंछा एकदम अच्छे से लग जाए तो यहाँ जो भी सामान है उठाने का तो उसको मैं उठा के और उसी के बाद फिर मैंने यहाँ से एकदम क्लीन करके झाड़ू निकाल ली थी ग्रॉसरी आइटम का जो भी है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है कैसे रखा है तो यहाँ पर मैं आ, अभी सिर्फ क्लीनिंग वगैरह ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं उस वीडियो को भी ऐड करती तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी तो इस वजह से मैंने उसको फिर यहाँ पर कट कर दिया है और सिर्फ क्लीनिंग ही यहाँ पर मैंने ले ली है तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और झाड़ू के बाद फिर मैं लगाने लगी थी यहाँ पर पोंछा तो पोंछा लगाया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ स्टार्टिंग की थी अपनी ब्रेकफास्ट की तो संडे है तो संडे में बेटा स्कूल तो जाता नहीं है तो मैं उठ के सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ और दिन में ऐसा होता है कि बेटा स्कूल जाता है तो क्लीनिंग से पहले मुझे लंच वग़ैरह बनाने की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि उसका लंच बॉक्स रखना पड़ता है और उसके साथ ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है उसके लिए और संडे में स्कूल की थोड़ी एक टेंशन नहीं होती है तो फिर मैं उठ के सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ और क्लीनिंग के बाद ही फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी तो यहाँ पर मेरी जो भी क्लीनिंग थी अंदर की दोनों रूम्स की तो वो मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी झाड़ू पोंछा वगैरह दोनों चीज़ें ही और यहाँ जो बाहर की मेरी गैलरी है तो उसकी भी मैंने धुलाई कर ली थी और धुलाई के बाद फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया था बाइफल इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में तो यहाँ मैंने बनाई थी चाय और साथ में दूध भी एक गैस पे बॉयल हो रहा था तो दोनों चीज़ें ही मेरी एक साथ हो चुकी थी और चाय भी बन गई और साथ में दूध भी बॉयल हो गया और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे अपने ब्रेड को टोस्ट कर लिया था बटर लगा के और उसके साथ उस पर मैंने लगा ली थी ऊपर मेयोनीस क्रीम तो ये हो गया था कुछ हमारा इस तरह का ब्रेकफास्ट तो ये देखें चाय भी मेरी बॉईल हो चुकी है और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा संडे का रूटीन मॉर्निंग का कैसा लगा इसके बाद ब्रेड पे मैंने फिर लगा ली थी म्योनिस क्रीम तो ब्रेकफास्ट में कुछ अलग सा कर लिया था और उसके साथ ही बेटे के लिए बनाई थी मैंने यहाँ पर चौकोस तो उसको मैंने चौकोस दे दी थी वो चौकोस खा रहा था और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना ली थी और उसके साथ ही ब्रेड पर थोड़ी सी लगा ली थी म्योनिस तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया था और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आ, हमारा रूटीन जो जैसा होता है मैंने फिर यहाँ पर स्टार्टिंग की थी अपने लंच की लंच प्रिपरेशन की तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और ये सिर्फ दो से तीन घंटे का मेरा ब्लॉग था तो वो मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में दिखाया है और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं काफ़ी मोटिवेटेड होती हूँ मैं तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नेक्स्ट रूटीन के साथ और कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके जा रही हूँ और साथ में आप लोग भी करिए खुश रहिए खुशहाल रहिए और मानसून सीज़न को इंजॉय करिए ख्याल रखिएगा